झारखंड पहुंचा यास तूफान, यूपी बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश में लगातार सुधर रहे कोरोना के हालात, एक महीने बाद 25 लाख से नीचे आए सक्रिय मामले। भाजपा सचिव महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा, किसान मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता, विपक्षी दल गुमराह करने की हर कोशिश कर रहे। भारत में जल्द लग सकता है 12 साल से अधिक वालों को टीका, फाइजर ने भारत सरकार से मांगी मंजूरी। सेंट्रल विस्टा के लिए ट्रांसप्लांट किए जाएंगे 1838 पेड़, 1.86 करोड़ रुपए की आएगी लागत। सीएम योगी का निर्देश, यूपी में संजय गांधी पीजीआई के विशेषज्ञों की निगरानी में होगा ब्लैक फंगस का इलाज। कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही, सिद्धार्थनगर में 20 ग्रामीणों को पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी डोज लगी कोवैक्सीन। फिर बिगड़ी सपा सांसद आजम खां की तबीयत, दोबारा आईसीयू में किए गए शिफ्ट। योग गुरु आनंद गिरी और महान नरेंद्र गिरी के बीच विवाद प्रकरण पर लगा विराम, गुरु शिष्य में हुई सिला। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सिद्धार्थनगर व बस्ती का दौरा, परखेंगे कोविड से निपटने की तैयारियां। अमेरिका में कोरोना की एक और एंटीबॉडी दवा को मंजूरी, हल्के मध्यम लक्षण वाले मरीजों का होगा इलाज। टीएलपी के आगे झुके पाकिस्तान ने ईयू के बयान पर जताई आपत्ति, कहा ना दी जाए नसीहत। अमेरिका के सैन जोस रेल यार्ड में गोलाबारी, 8 लोगों की मौत की आशंका। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को तालिबान की धमकी, कहा अमेरिकी फौज को जगा दी तो होगी बड़ी भूख। इमरान खान को लगा बड़ा झटका, पाकिस्तान में इमरान खान को झटका, रावलपिंडी मार्ग घोटाले की जांच शुरू, विपक्ष मांग रहा पीएम का इस्तीफा। रोहन गावस्कर ने राज्य क्रिकेट संघों से की मांग, बोले घरेलू क्रिकेटरों के साथ करे सालाना करार। पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज रमीज राजा का बयान, कहा हमारे पास सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी नहीं है। इंग्लैंड में टेस्ट मैच देखने के लिए स्टेडियम जाने की इजाजत, एचबेस्टन टेस्ट में होगा हर दिन 18,000 फैन। दुर्घटना के शिकार हुए इंग्लैंड के विकेटकीपर, फोकस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाहर। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट व रोहित अपने स्थान पर मौजूद, बाबर आजम की बादशाहत कायम। सोनाक्षी और मलाइका अरोड़ा के बाद अब अर्जुन कपूर ने भी बांद्रा वेस्ट में खरीदा स्काई विला, 20 करोड़ है कीमत। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह ने भी किया ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख, अगस्त में होगी रिलीज। अनन्या पांडे ने बिना मेकअप वाली सेल्फी की शेयर, नव्या नवेली नंदा ने दिया ये रिएक्शन। शाहरुख खान के बेटे अब्राहम खान का बर्थडे आज, फैंस ने दी बेस्ट विशेस। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सोनिया राठी ने किए कई बोल सीन, अब एक्ट्रेस बोली मैं बिल्कुल असहज नहीं थी।
पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, देखते रहिए प्राइम टीवी।